तो दोस्तों, वीडियो को वायरल करने के लिए सबसे मेन टॉपिक होता है हमारी वीडियो का थंबनेल। चाहे हमारी वीडियो क्वालिटी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो और थंबनेल अच्छी नहीं है तो हमारी वीडियो पर व्यूज नहीं आएंगे, तो हमारी वीडियो वायरल नहीं होगी। तो दोस्तों, जब हम यूट्यूब पर अपनी वीडियो को अपलोड करते हैं तब हम देखते हैं हमारी वीडियो का इंप्रेशन अच्छा खासा जाता है, लेकिन इंप्रेशन क्लिक नहीं होता। ये किसकी होता है दोस्तों, ये बताऊँगा मैं आपको इस वीडियो में। दोस्तों, ये इसलिए होता है कि हमारी वीडियो की थंबनेल अच्छी नहीं होती है, इसलिए हमारी वीडियो का इंप्रेशन क्लिक नहीं होता है। तो दोस्तों, थंबनेल कैसे बनाएं ये बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने पिक्सेल ऐप को ओपन कर दिया है। यहाँ पर जो टेक्स्ट का ऑप्शन है इसको पहले डिलीट कर देना है, डिलीट का ऑप्शन पर क्लिक करना है इसको, फिर डिलीट कर देना है। फिर आपको यहाँ पर जो थ्री डॉट का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर क्लिक कर देना है, इमेज साइज पर क्लिक करना है, कस्टम पर क्लिक करना है, यूट्यूब थंबनेल को सिलेक्ट कर देना है, फिर यहाँ से ओके कर देना है। तो सबसे पहले हमें थंबनेल बनाने के लिए अपना कलर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी कलर चाहिए हमें यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कलर का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। अगर आपको कलर चाहिए तो कलर पर क्लिक करना है, अगर आपको ग्रेडियंट कलर चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आप कलर सेलेक्ट करना चाहते हो। फिर सेटिंग के आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेप्स का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। फिर ये सेप्स आ जाए, इसको थोड़ा जूम कर देना है इस तरह से। फिर इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं -3 तक। तो हमने इसको -3 तक रोटेट कर लिया, इसको ओके कर देना। फिर हमें प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद टेक्स्ट पर क्लिक करना है, इस पर डबल टैप करना है। तो आपको जो भी लिखना है वो यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद डन कर देना है, फिर यहाँ से ओके करना है। फिर इसको थोड़ा सा कलर चेंज करना है, ए वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कलर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ग्रेडिएंट कलर को सेलेक्ट कर देना है। यहाँ से ओके कर देना है। तो दोस्तों, ये हमारा कलर चेंज हो चुका है, इसको भी थोड़ा रोटेट करना है -3 तक। इसका फ्रंट चेंज करना चाहते हैं दोस्तों, तो इसका फ्रंट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे जाना है, नीचे फ्रंट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है। फिर यहाँ से जो भी फ्रंट आपको अच्छा लगे वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ से ओके करना है। फिर से प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करना है, डबल टैप करना है। डन करना है यहाँ पर, फिर ओके कर देना। इसका भी कलर चेंज कर देना है दोस्तों। नीचे जाना है, नीचे कलर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ग्रेडियंट पर क्लिक करना है, यहाँ से कलर सेलेक्ट कर देना है, ओके कर देना है। इसको भी थोड़ा जूम कर देना है दोस्तों। इसका भी फ्रंट चेंज करना है दोस्तों, यहाँ से इसका फ्रंट चेंज कर लिया है, ओके करना है। इसको भी थोड़ा रोटेट कर देना है -3 तक, ओके कर देना है। इनको थोड़ा जूम कर देते हैं। इस सेप्स को थोड़ा सा कम कर देते हैं दोस्तों। इतना इसको कर देना है। फिर प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, टेक्स्ट पर क्लिक करना है, डबल टैप करना है यहाँ पर। यहाँ से डन कर देना है, ओके करना है। इसको भी रोटेट करना है -3 तक। इसको थोड़ा जूम कर देना है। इसका भी कलर चेंज कर देते हैं दोस्तों। कलर पर क्लिक करना है, फिर यहाँ से इसको थोड़ा इधर कर लेना है। तो दोस्तों, इसको पीला कलर सेलेक्ट कर लेना है। ये ओके कर देना है। प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है, यहाँ से ओके कर देना है।
इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं दोस्तों। इसको यहाँ पर सेट कर देना है, सेटिंग के आइकन पर क्लिक करना है, नीचे जाना है, जो शैडो का ऑप्शन दिख रहा है इसको ऑन कर देना है, इसको ऑन कर देना है पूरा, यहाँ से ओके कर देना है। फिर तो दोस्तों यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी पर जाना है, फिर यहाँ से थंबनेल की फ़ोटो ले लेनी है। तो दोस्तों यहाँ से मैंने एक थंबनेल की फ़ोटो ले ली है, इसको यहाँ पर सेट कर देना है, थोड़ा छोटा करना है और इसको यहाँ पर सेट कर देना है। इसको भी थोड़ा -3 तक रोटेट कर लेते हैं। इसका भी शैडो ऑन कर देना है, नीचे जाना है, शैडो पर क्लिक करना है, इसको ऑन कर देना है, इसका रेड कलर सेलेक्ट कर देना है, इसको ऑन कर देना है, यहाँ तक ओके करना है। फिर एक और थंबनेल की फ़ोटो ऐड करनी है, इसमें प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है, तो दोस्तों इसको भी थोड़ा छोटा कर देना है, इसको यहाँ पर सेट कर देना है, इसका भी शैडो ऑन करना है, इसका भी रेड कलर सेलेक्ट करना है, इसको फुल कर देना है, ओके करना है, इसका भी, इसको भी थोड़ा रोटेट कर लेते हैं दोस्तों +3 तक, ओके करना है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं सभी को। तो दोस्तों इसको मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है, फिर आपको ड्रॉ का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको फिल इनसाइड को ऑन कर देना है, यहाँ से आपको वाइट कलर सेलेक्ट कर लेना है, फिर इस तरह ऐसे ऐसे करना है, यहाँ पर आपको इसको थोड़ा जूम कर देना है दोस्तों। फिर इसका भी शैडो ऑन कर देना है दोस्तों, इसको फुल कर देना है, यहाँ से ओके कर देना है, प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है, यहाँ से ओके कर देना है, नीचे जाना है, थोड़ा कलर पर क्लिक करना है, इसको कलर चेंज कर देना है जो भी आपके बैकग्राउंड से मिलता हो, यहाँ इसको यहाँ पर सेट कर देना है। फिर आपको अपने एक फ़ोटो की PNG लेनी है, यहाँ पर क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है। तो मैंने अपने फ़ोटो की एक PNG ले ली है, यहाँ से ओके करना है, इसको थोड़ा जूम कर देना है दोस्तों, इसको यहाँ पर इस तरह से सेट कर देना है, इसका भी शैडो ऑन करना है दोस्तों, नीचे जाना है, शैडो को ऑन कर देना है, यहाँ से इसको ओके कर देना है। तो दोस्तों ये मेरी थंबनेल बनकर तैयार हो चुकी है, फिर इसको फुल HD में कैसे सेव करना है वो बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पर क्लिक करना है, कस्टम के ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ से नीचे जाना है अल्ट्रा पर, फिर क्लिक करना है आपको सेव टू गैलरी। तो दोस्तों ये मेरी थंबनेल सेव हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरह आप भी थंबनेल बना सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से फुल HD में। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।